बता दूं, यहाँ पर लगभग 7 क्विंटल लकड़ी जलाई गई और ये आप देख रहे हैं सामने, इस लकड़ी के अंगारे तैयार हो गए हैं और इन अंगारों को तैयार कर रहे हैं शिव जी महाराज। और जो आप देख रहे हैं ये देखते ही देखते रह जाओगे, और इन अंगारों के ऊपर अभी थोड़ी ही देर में ये जो जसनाती परंपरा के सिद्ध लोग यहाँ आए हुए हैं ये अग्नि नृत्य करेंगे। हम सभी इस प्रोग्राम के सहभागी बन रहे हैं तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आप देख रहे हैं मरु महोत्सव 2018, 31 जनवरी 2018 का ये प्रोग्राम चल रहा है, और इस प्रोग्राम में रघुनाथ जी महाराज देसी घी, गाय के घी से आहुतियाँ देते हुए इस गोरखनाथ जी के अखंड धुने के अंदर, और कहा जाता है कि जसनाती परंपरा का जो ये गोरखनाथ जी का जो धुना है, इस धुने के दर्शन करने से ही अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो असाध्य बीमारियां हैं वो कट जाती है। तो जसनाती परंपरा का ये विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य अभी देखने को मिलेगा। और अभी जो आप देख रहे हैं ये आरती की तैयारी चल रही है, अभी सिद्ध पुरुष आरती कर रहे हैं, ज्योत कर रहे हैं, और अग्नि पूजा का बड़ा महत्व है जसनाती परंपरा के अंदर। तो ज्योत चल रही है, लाखों की संख्या में यह लोग आए हुए हैं, बहुत ही बड़ा आयोजन है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हुए हैं, और टूरिस्ट डिपार्टमेंट और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। सिद्धों के द्वारा अग्नि की पूजा की जा रही है और ज्योत के दर्शन कर सकते हैं आप। ज्योत के दर्शन भी इस जसनाती परंपरा और सिद्ध लोगों की जो बड़ा महत्व है, और आप देखेंगे अब ज्योत लेकर बहुत ही एक अलग विधि के अनुसार ये नृत्य है। अभी जो आप देख रहे हैं ये देखो, जलती हुई ज्योत में से अग्नि के अंगारों को ले रहे हैं, और सिद्ध पुरुष अग्नि ददकते अंगारों को प्रसाद के रूप में खा रहे हैं। तो ये जसनाती सिद्धों की साधना का बहुत बड़ा चमत्कार है। आज भी जसनाती सिद्ध ऐसा चमत्कार कलयुग के अंदर सतयुग का प्रभाव देखने को मिल रहा है, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और ये जो आपको बता दूं, 7 क्विंटल लकड़ी के जो ये अंगारे तैयार किए गए हैं, आप देख रहे हैं कि सिद्ध लोग इस अग्नि के धुने के ऊपर चढ़ रहे हैं। जसनाती परंपरा आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जसनाती सिद्धों की महिमा। जसनाथ जी महाराज राजस्थान के पुरातन काल में एक अग्रणीय महापुरुष हुए, उन्होंने भूले भटके मानव समाज को धर्म का रास्ता बताया, अंधविश्वास और अशिक्षा को दूर कर उनको सही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग बताया। जसनाथ जी महाराज आज से लगभग 550 बरस पहले आज साज ने इस धरती पर अवतार लिया था, और जसनाथ जी महाराज ने 36 नियमों का प्रचलन चलाया था, अच्छे कर्म करना, जीवों पर दया भाव रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना, मानव उत्थान के लिए कार्य करना। जसनाती परंपरा नाथ जी महाराज के 36 नियमों को मानने वाले भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में लाखों भक्त फैले हुए हैं। विशेष तौर से जब राष्ट्रीय स्तर के इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में हमें अग्नि नृत्य देखने को मिलता है, और ये अग्नि नृत्य का प्रचलन कहा जाता है मुगल काल में जसनाती परंपरा के सिद्ध और महान जसनाती परंपरा के महान सिद्ध हुए थे रुस्तम जी महाराज। उन्होंने सिद्धों की जमात लेकर दिल्ली में जाकर औरंगजेब को 52 पर्चे दिए थे, और उन 52 पर्चों में अग्नि के कुंड में कहा जाता है कि रुस्तम जी महाराज को
अग्नि के कुंड में डाल दिया था और उस अग्नि के कुंड में से वापस रुस्तम जी महाराज जिंदा निकल के आए थे और हाथ में मतिरा और बाजरे का सिट लेकर आए थे। और उनके बाद में रुस्तम जी महाराज का जसनाती परंपरा में ही नहीं सनातन धर्म में बहुत बड़ा नाम है। और रुस्तम जी महाराज ने ताम्बर पत्र लिखवा के लिया था कि धर्म के प्रचार के लिए नगड़ों के साथ में जसनाती सिद्ध लोग कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, ये औरंगजेब से लिखवा के लिया था। तो बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं और इनकी महिमा तो आप देखते ही हैं। जसनाती परंपरा के सिद्ध लोगों के द्वारा यह चमत्कार और आप देख रहे हैं, साथ ही साथ देख रहे हैं जो अग्नि के घोड़े के ऊपर सिद्ध खड़े हैं, अग्नि को खा रहे हैं, अग्नि के साथ खेल रहे हैं और अग्नि को ठंडे सब खाते हैं, वैसे अग्नि के खीरों को खा रहे हैं। ये जसनाथ जी महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार है और मैं तो आशा करता हूँ कि सभी के ऊपर जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, जसनाथ जी महाराज की कृपा बनी रहे और जसनाथ जी महाराज का सदैव आशीर्वाद रहे। को बता दूं, जसनाथ परंपरा में 5 प्रमुख धाम माने जाते हैं, कत्रियासर, पुनरासर, लिकमा देसर, मालासर, पांचला सिद्धा और बम्बलूसर। सभी धामा का बड़ा महत्व है, सभी धाम बड़े साधना के केंद्र रहे हैं। इनमें से पांचला सिद्धा सिद्धपीठ श्री जसनाथ आसन का भी बड़ा महत्व है, यहाँ सन्यासी परंपरा है और पश्चिमी राजस्थान में धर्म व आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा। एक बार फिर रघुनाथ जी महाराज मालासर का मैं आभार करना चाहूँगा कि उनके सान्निध्य में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये मरु महोत्सव 2018 का जैसलमेर के अंदर कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जसनाती परंपरा के सिद्ध और मालासर धाम के महंत रघुनाथ जी महाराज और उनके सान्निध्य में सिद्धों की मंडली ने यहाँ पर बहुत ही शानदार और भव्य अग्नि नृत्य किया। मेरी तरफ से ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश। भी सनातन धर्म प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं पुखराज योगी, जसनाथ धाम पांचला सिद्धा के सेवक। धन्यवाद।